स्वागत आप लोग को मेरे चैनल पर। मैं हूँ काजल दुनशी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाली हूँ कि एक ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन है मात्र और मात्र 10वीं पास। जी हाँ, जो भी विद्यार्थी, जो भी व्यक्ति जिसने 10वीं पास कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्त और नियम है वो आपको बताऊंगी मैं इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के एंड तक में आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ कि क्या इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो क्या है, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है और इस पोस्ट में आप लोगों की सैलरी कितनी होगी। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाइक और शेयर करते हुए जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन। और इसी नोटिफिकेशन के जरिए हम बात करेंगे कितनी वैकेंसीज हैं और कितने जो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियरली दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च तक है फिल करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वैकेंसीज दिख रही होंगी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, टोटल में देख सकते हैं आप, लास्ट में 841 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर। आप लोग जितना डिटेल में पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं इजीली, क्योंकि मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आगे अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग एससी एसटी से हैं तो आपको 5 ईयर्स का मिल जाएगा और ओबीसी से हैं तो 3 ईयर्स का, और बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी के हैं उनको अलग अलग हिसाब से यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है एज में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो ये पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, ये आप ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर बोला गया है कि 10वीं पास तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं पास का मीन्स ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएशन वाले जो लोग हैं वो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ था, कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन द 1 February 2021 ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो भी ग्रेजुएट हैं और जो भी जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि अंडर ग्रेजुएट लोग जो हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये तो डाउट क्लियर हो ही चुका होगा, जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था। और यहाँ पर जो है दे रखा है स्कीम ऑफ सिलेक्शन दे रखा है, यानी कि कौन से पेपर आने वाले हों और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट जो आएंगे और कितना टाइम मिलेगा आप लोगों को इनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहले जो है रीजनिंग में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं 30 और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी 30, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल इंग्लिश में भी 30 और मार्क्स भी 30, जनरल अवेयरनेस में भी 30 और मार्क्स भी 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 30 और मार्क्स भी 30। टोटल जो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स जो होगा वो 120, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, ठीक है। मीन्स कि 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें सेंटर्स वगैरह के बारे में दे रखा है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, रूल्स इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा जानकारी जो मैं आपको देना चाहती थी, ठीक है गाइस। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप लोग अंडर ग्रेजुएट हैं तभी इस फॉर्म को फिल करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को जितने भी डाउट थे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो चुके होंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों को इस नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।